हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लूज 20 केजी ऑफ योर एक्सेस वेट बाय फॉलोइंग कीटो डाइट इन 3 मंथ्स। अब 3 मंथ में आप कैसे कीटो डाइट फॉलो करके एंड अपनी बॉडी का फैट लूज कर सकते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदीप फ्रॉम वेट शेक फैक्ट्री। अब टॉपिक पे आते हैं, कीटोजेनिक डाइट होता क्या है। कीटोजेनिक डाइट वो होता है जिसमें आपका फैट ऑलमोस्ट 75% होता है आपकी टोटल कैलोरीज का, आपका प्रोटीन 20% होता है एंड आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑलमोस्ट 5% होता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो होना होता है वो मिनिमम आपका 50 ग्राम पर डे होता है। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि आपको 5-7% ही रखना पड़ेगा। अब कीटोजेनिक डाइट के बेनिफिट्स कई रिसर्च किए गए हैं, जो चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो लंदन की बात हो, चाहे वो जर्मनी की बात हो, हर कंट्री में जब जब रिसर्च हुई है लास्ट 15 इयर्स में, कीटोजेनिक डाइट हेल्दी पाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें आप जब कार्ब्स नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी आपकी बॉडी टोटली फैट पर रिलाई करती है एनर्जी के लिए, जो पहले कार्ब्स के केस में ग्लूकोज पर रिलाई करती थी, तो उससे आपकी बॉडी कीटोस मोड में पहुंच जाती है। और जब बॉडी कीटोस मोड में पहुंच जाती है तो उसमें क्या होता है, आपका फैट रिडक्शन होने लगता है, आपकी बॉडी फैट लूज करने लगती है एंड यू स्टार्ट लूजिंग बॉडी वेट एज वेल। आपका जो बॉडी वेट एक्सेस में होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कीटोजेनिक फूड डाइट में कौन कौन से फूड आपको खाने चाहिए, विच फूड्स आर कीटो फ्रेंडली एंड विच फूड्स आर नॉट कीटो फ्रेंडली। तो मैं आपको कुछ फूड्स बताने वाला हूँ, अगर आप इंडियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ये फूड्स को नोट डाउन कर लीजिए, यानी अगर आप कीटो डाइट करते हैं तो इन्हीं फूड को खाएं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कि कीटो डाइट फॉलो करने के लिए कौन कौन से फूड्स खाने चाहिए, मींस कीटो फ्रेंडली फूड्स। पहला आपका आता है एग। आप ऑर्गेनिक एग्स कंज्यूम करें, उससे होता क्या है कि आपको हेल्दी प्रोटीन मिलेगा, आपको फैट मिलेगा एंड आपको जो अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप चिकन खा सकते हैं एंड टर्की खा सकते हैं। फैटी फिश खाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन आपको फैट की मैक्रोन्यूट्रिएंट जो फैट है वो ज़्यादा रखना है, तो थर्ड नंबर पे आप फैटी फिश इंक्लूड करें। फोर्थ है मीट्स, मीट आर हाई इन फैट, इसको कंज्यूम करने से आपका जो डे का पर डे का 40-30% जो फैट कंजम्पशन है वो फुलफिल हो जाएगा। कोशिश करें कि ग्रास फीड बीफ खा सकते हैं या ऑर्गेन मीट खाएं, इसमें आपको फैट की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद आता है फुल फैट चीज़। फुल फैट चीज़ में जैसे आप मोज़रेला खा सकते हैं, चेडर खा सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये जो आप फुल फैट चीज़ खा रहे हैं ये मॉर्निंग या आफ्टरनून में खाएं एंड ज़्यादा वंस इन अ डे ही खाएं, ट्वाइस इन अ डे भी मत खाएं। अब जो मेरे लिस्ट में है नेक्स्ट वो है आपका नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स में जैसे आप एलमंड्स खा सकते हैं, आप वॉलनट्स खा सकते हैं एंड पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 7th नंबर पे नट बटर, जैसे आप पीनट बटर खाते हैं वो आप ले सकते हैं, आप एलमंड्स बटर ले सकते हैं, आप कैश्यू बटर ले सकते हैं। दे आर अगेन हाई इन फैट, दे आर मॉडरेट इन प्रोटीन एंड दे आर लो इन कार्ब्स। इसके बाद आपको ले सकते हैं हेल्दी फैट्स ऑयल। हेल्दी फैट्स ऑयल में क्या क्या लेना है आपको, कोकोनट ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप एवोकाडो ऑयल ले सकते हैं। ये 3 ऑयल ऐसे हैं जो आप चाहे कीटो डाइट करें या ना करें, ये 3 ऑयल ही आपको लेने चाहिए। आपको रिफाइंड ऑयल एकदम एलिमिनेट करनी चाहिए अपनी होल लाइफ से अगर आपको हेल्दी रहना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में रहता है, आप सारे फूड में मिक्स होकर के लॉन्ग टर्म तक रहता है, जितना शुगर भी आपकी बॉडी में रह सकता उससे ज़्यादा आपको ऑयल रहता है। तो मेक श्योर कि आपकी ऑयल हेल्दी होनी चाहिए एंड हेल्दी फैट्स ऑयल अगेन कोकोनट ऑलिव एंड एवोकाडो ऑयल जो आपको कंज्यूम करना चाहिए, या तो आप कभी घी या बटर भी ले सकते हैं। अब यहाँ तो आ गए, अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की, कौन कौन से वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए। वो है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो आपको कीटो डाइट में खाने हैं। उसमें आता है आपका ग्रीन्स वेजिटेबल जितने भी हैं, आपका ब्रोकली आ गया, ब्रोकली आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप टोमेटो कंज्यूम कर सकते हैं, आप मशरूम कंज्यूम कर सकते हैं एंड आप पेपर कंज्यूम कर सकते हैं। पम्पकिन आपको नहीं कंज्यूम करना है, दे कम्स इन स्टार्ची वेजिटेबल्स में। इसके बाद लास्ट में आप विनेगर ले सकते हैं, आप लेमन जूस ले सकते हैं, आप स्पाइसेस ले सकते हैं। तो ये 10 फूड कैटेगरी हैं जो आप कीटो डाइट जो फॉलो कर रहे हैं तो आपको लेना चाहिए। अगर आप एक इंडियन हैं या आप इंडिया के बाहर भी हैं तो अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि किसकी क्वांटिटी कितनी होनी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं कीटो डाइट में टोटली, वो है ब्रेड एंड बेक गुड। अगर आप ब्रेड्स खाएंगे दे आर हाई इन प्रोसेस्ड कार्ब्स, आपको टोटली अवॉइड करना है, अदरवाइज आपका वेट बढ़ जाएगा।
आपको स्वीट्स एंड शुगरी फूड्स भी अवॉइड करने हैं, जैसे आप कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, आप केक खा रहे हैं, आप डोनट्स खा रहे हैं, यू हैव टू अवॉइड देम। थर्ड पे मेरा फेवरेट है वो है पास्ता। पास्ता भी आपको अवॉइड करना है क्योंकि अगेन दे आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली प्रोसेस कार्ब्स, तो आपको उसे भी अवॉइड करना। फोर्थ पे ग्रेन्स एंड ग्रेन से रिलेटेड प्रोडक्ट, आपके जैसे राइस हो गए, आपके बार्ली हो गए, आपके अदर ग्रेन्स हो गए, वो आपको अवॉइड करना है। स्टार्ची वेजिटेबल्स आपको अवॉइड करना है, इसमें जैसे पोटैटो हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, ये सारे फूड आपको अवॉइड करने हैं अगर आपको कीटो डाइट फॉलो करनी है। उसके बाद आपको लेग्यूम्स अवॉइड करने हैं। लेग्यूम्स में आप सारे लेग्यूम्स जितने भी आप खाते हो वो लेग्यूम्स एंड बीज दोनों अवॉइड करो, ताकि आप कीटो डाइट को प्रॉपर फॉलो करो और आपकी बॉडी कीटोन्स में पहुंचे, जिसकी वजह से आपका फैट लूज हो। सेवन्थ पे मैं इस लिस्ट में आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स भी आपको अवॉइड करने, जैसे पता है उसमें आपका फाइबर ज़्यादा होता है, इसमें से फ्रूट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो फ्रूट्स को भी अवॉइड करना है अगर आप कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हैं। तो एट पॉइंट पे जो मेरा आता है फूड टू अवॉइड में, दैट इज हाई कार्ब सॉसेस। आजकल सॉस आ रहे हैं, टमाटो सॉस आ रहे हैं, शुगर के सॉस आ रहे हैं, मेयोनीज सॉस आ रहे हैं, आपको ये सारे सॉस अवॉइड करने हैं। उसमें अगेन बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं, आपकी बॉडी को हाई कार्ब्स इंक्लूड दिया जाता है उसमें डाल करके, कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। एंड द लास्ट इज अगेन हम सबका फेवरेट, जो मोस्टली लोग ड्रिंक करते हैं, दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस आपको अवॉइड करने हैं, वो आप क्यू डाइट नहीं फॉलो कर सकते। रीजन इज सेम, कैलोरीज हाई, उसमें कार्ब्स होते हैं, बॉडी में फैट स्टोर होगा एंड आपकी बॉडी को कीटोस मोड में नहीं रखेगा। तो ये थे वो फूड जो आपको अवॉइड करने हैं एंड कुछ फूड जो मैंने बताए ये आपको इंक्लूड करने हैं। अब फॉलो कैसे करना है आपको, जैसे अगर आप 3 मंथ्स फॉलो करते हैं तो आपको कोशिश करना है हर 10 डेज पे आपको 2 डेज हाई कार्ब पे जाना। लाइक आपने 10 डेज फॉलो किया कीटो डाइट, देन अगेन आपको 2 डेज हाई कार्ब में। हाई कार्ब में कोशिश करना आपको हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, जैसे आप फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, या 2 वीक का भी कर सकते हो, 2 वीक आप कीटो डाइट करो, उसके बाद अगेन 2 डेज के लिए आप हाई कार्ब्स कंज्यूम करो, फिर अगेन आप कीटो डाइट फॉलो करो, फिर हाई कार्ब्स। इससे आपको 3 मंथ्स फॉलो करने हैं। 3 मंथ्स जब आप फॉलो करोगे ऐसे तो आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी फैट रिड्यूस कर रही है, बट मेक श्योर कि जो आपका फैट है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर आपको अपनी डाइट कस्टमाइज करवानी है कीटो के लिए, आपको कीटो डाइट फॉलो करना है, तो स्क्रीन पे एक नंबर भी शो हो रहा है जिस पे आप कॉल करके हमारे डाइटिशियन से बात करके अपने लिए कीटो डाइट कस्टमाइज करवा सकते हो। तो ये था इस वीडियो का मेन मकसद, कि आपको बताना कि कौन से फूड आप खा सकते हैं, कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं। दैट्स इट। अगर आपको भी कुछ कीटो डाइट अपने लिए बनानी है या अपनी डाइट अपने लिए कीटो डाइट कस्टमाइज करवानी है, तो जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल करके हमारे डाइटिशियन से बात कर सकते हैं एंड अपने लिए डाइट कस्टमाइज करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि कीटो डाइट में कौन कौन से फूड हम खा सकते हैं। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस।